एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ले जाऊंगी एक टनल में। सिर्फ 5 मिनट में पहुंच जाएंगे आप इस पार से उस पार। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर के लोगों को लंबे वक्त से जिसका इंतजार था, आखिर वह घड़ी आ ही गई। प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर सोमवार 20 जून से आम जनता के लिए खुल गया है। यह टनल रोड दिल्ली में अपनी तरह की पहली और सबसे अनूठी रोड है, जो ट्रैफिक के लिहाज से बेहद व्यस्त और इन इलाकों से गुजरने वाले लोगों को बड़ी राहत देगी। आमतौर पर पीक टाइम के दौरान रिंग रोड से भैरव रोड और मथुरा रोड होते हुए इंडिया गेट तक पहुंचने में लगभग 15 से 20 या फिर कहे तो उससे भी अधिक समय लग जाता था, लेकिन इस टनल रोड के जरिए लोग महज 5 मिनट के अंदर रिंग रोड से सीधे इंडिया गेट पहुंच सकेंगे। इस कॉरिडोर के तहत 1.36 किलोमीटर लंबी और 6 लेन वाली अंडरग्राउंड टनल और 6 अंडरपास बनाए गए हैं। इस टनल के खुल जाने से मेरठ एक्सप्रेसवे से होकर इंडिया गेट जाने वाले लोगों की राह आसान हो जाएगी। 6 लेन की प्रगति मैदान टनल खुलने से रिंग रोड और इंडिया गेट की आवाजाही सिग्नल फ्री होगी। सफर का यह हिस्सा 30 मिनट की जगह बमुश्किल 5 मिनट में पूरा होगा। टनल का ऐसा कोई कोना नहीं जिसे खूबसूरत आर्ट वर्क से सजाया ना गया हो। दीवारों पर अलग अलग रंगों से उकेरी गई तस्वीरों के अलावा मेटल के आर्ट वर्क और MS म्यूरल आर्ट वर्क से भी इस टनल को सजाया गया है। पूरी टनल में 4000 से अधिक आर्ट फ्रेम लगाए गए हैं और प्रत्येक फ्रेम करीब 2 मीटर लंबे और 1 मीटर चौड़े हैं। मेटल आर्ट वर्क में इस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जो पूरी तरह मेंटेनेंस फ्री है और जल्दी खराब भी नहीं होंगे। टनल की साइड की दीवार और बीच के हिस्से को मिला लें तो करीब 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबे एरिया में ये आर्ट वर्क लगाए गए हैं। मेन टनल और 6 अंडरपास निर्माण पर ही 923 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 5 अंडरपास और मेन टनल का काम पूरा हो चुका है। भैरव रोड क्रॉसिंग के आगे इस टनल में एंट्री करने के बाद लोग सीधा पुराना किला रोड पर पटियाला हाउस के बाहर निकलेंगे और यहां से इंडिया गेट पहुंच सकेंगे। इसी तरह इंडिया गेट से आने वाले लोग पुराना किला रोड से इस टनल में एंट्री करके सीधे सीधे रिंग रोड पर निकलकर राजघाट, सरायकाले खां, मयूर विहार, नोएडा और गाजियाबाद की तरफ जा सकेंगे। मथुरा रोड और रिंग रोड के बीच प्रगति मैदान के नीचे बनाई गई टनल में सेफ्टी के भी कई तरह का इंतजाम करने का दावा किया गया है। लगभग 1.4 किलोमीटर लंबे इस टनल में स्मार्ट फायर मैनेजमेंट, वेंटिलेशन और ऑटोमेटिकल जल निकासी सिस्टम आदि का प्रावधान किया गया है। प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड रोड प्रोजेक्ट के और कई फायदे हैं। इससे जाम खत्म होगा, चेकिंग प्वाइंट कम होंगे, ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ रहेगा और सबसे अहम, आसपास के इलाकों में प्रदूषण का लोड भी कम होगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। फिर मिलती हूँ कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ।